आर्टिकल 370 फिल्म देख कर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कट टू कट शुरू होती है, कट टू कट खत्म होती है, पूरी स्टोरी लाइन जो है मुद्दे को पकड़ के चलती है। और पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर अच्छी बनी है। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो इरादा था कि पब्लिक को शिक्षित करें 370 के लिए, उसमें वो पूरी तरह कामयाब जाते हैं। आज सही में पता चला कि क्या हो गया था एक्चुअल में, कैसे लोग सहन कर रहे थे। Aditya Dhar's political drama Article 370 has been released in theaters. This intense film is a power dose of emotion, politics and patriotism. The lead actress Yami Gautam is also currently sparking immense excitement among fans. Let's hear what the audiences have to say after watching the film. 370 फिल्म देख कर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है। और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम है, कट टू कट शुरू होती है, कट टू कट खत्म होती है, पूरी स्टोरी लाइन जो है मुद्दे को पकड़ के चलती है। और फिल्म को इजीली समझाने के लिए थोड़े चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो ऑडियंस के लिए समझना भी आसान होगा। और फिल्म जो है आदित्य धर ने लिखी हुई है, जिन्होंने पहले उरी बनाई थी। इस फिल्म को आदित्य सुहास जांबड़े जो है उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, निर्देशक है उनका, डायरेक्शन बहुत शानदार है। ओवरऑल जो फिल्म है वो आपको हिट करती है, टॉपिक जो है सेंसिटिव है, बहुत सालों से इसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं। उस चीज़ को फिल्म के माध्यम से बड़े पर्दे पर किसी ने दिखाने की हिम्मत की है, पहली बात, उसे सलाम करता हूँ। सेकेंडली, फिल्म इतनी अच्छी बनाई है तो डबल सलाम, बहुत अच्छी फिल्म लगी। 370 की बात जब भी आती है तो कश्मीर का एक अलग चैप्टर ओपन होता है, तो इस फिल्म में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा, यानी कि पुलवामा अटैक के बारे में भी इस फिल्म में आई थिंक दिखाया गया है, तो कुछ फिल्में की ऐसी कोई स्क्रिप्ट लाइन आपको बहुत पसंद आई हो? देखिए, इस फिल्म में जैसा मैंने कहा कि इस फिल्म में कोई ऐसी कहानी तो है नहीं कि जहाँ पे मन से डाल दिया हो। ये जो एक पूरी जो वाक्य है, जो घटनाक्रम है, उस चीज़ को कैसे साल बाय साल, महीने बाय महीने कैसे एक उसको बांध के जो जोड़ी बनाई है, अपनी माला बनाई है आपकी स्टोरी की, वही दिखाया गया है। पुलवामा भी जो दिखाया गया है, देखिए पुलवामा एक बहुत ही बेहद दर्दनीय हादसा था भारत की डिफेंस की हिस्ट्री में, और उस चीज़ का हमने बदला भी लिया फिर बाद में, और उस चीज़ को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है। वो देख के अच्छा भी लगा, और जो पुराने जो हमारे इमोशंस थे वो भी जागे हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि 370 हटता है और कैसे उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, वो जानकर भी बहुत अच्छा लगा। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर अच्छी बनी है। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो इरादा था कि पब्लिक को शिक्षित करें 370 के लिए, उसमें वो पूरी तरह कामयाब है। और हम फिल्म की बात करें तो 370 एक ऐसा एक्ट है जिसे लागू करने के लिए बहुत कुछ कश्मीर ने सहा है, तो वो सब घटनाएं फिल्मों में दिखाई गई? हाँ, पूरी तरह से दिखाई। 370 हटाने से पहले वो लोग क्या क्या किए और हम लोग को कितना रोके और हम लोग नहीं हटा सके। बीच में भी ये कलम आई थी हटाने के लिए, लेकिन वो लोग फेल हो गए थे। इस बार जब पूरी मीटिंग हुई और गवर्नमेंट में और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने फैसला किया कि ये तो बहुत ही ज्यादतियाँ हो गई है, इसको हटाना ही है, और उन्होंने बहुत चेष्टा करके ये हटाई। फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ कौन सा सबसे ज़्यादा इंगेजिंग रहा? फर्स्ट हाफ में थोड़ा इंटरटेनमेंट, मारपीट, ये वो सब दिखाते हैं। सेकेंड हाफ में खाली पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, उसका रूल्स, वो सब बता दें। यामी गौतम भी इसमें एक एजेंट का किरदार प्ले कर रही थी। हाँ, वेरी नाइस NI एजेंट लगती है, और उसने जो फाइटिंग का सीन किया है बहुत अच्छा किया है, बंदूक भी बहुत अच्छा चलाती है। ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को देखिए, मैंने हमारी सरकार क्या कर रही है ये घर बैठे तो पता चलेगा नहीं, और इतना विस्तृत विवरण पिक्चर द्वारा ही पता चलता है, तो सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए। कश्मीर में पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी, आफ्टर 370 ये करने के बाद कैसी है ये आज पता चला, और पहले 370 के पहले भी कैसी थी ये भी, इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं, आज भी सुनते हैं, सिर्फ सुनने से मिसगाइड बहुत हो जाते हैं। आज सही में पता चला कि क्या हो गया था एक्चुअल में, कैसे लोग सहन कर रहे थे, कैसे टेररिज्म था, हमारे ही पॉलिटिशियंस उनको कैसे मिले हुए थे, ये सब आज पता चलता है। और बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, तो सभी को देखनी चाहिए, कोई प्रोपोगंडा नहीं है इसमें।
बस ग्राउंड रियलिटी बताई है। आई मीन सारे अटैक दिखाए गए यू नो, तो आपको कैसा लगा एक इतिहास में जो घटना घटी हो उससे आप एक फिल्म? हाँ ये तो बहुत रीसेंट हिस्ट्री है और हमने तभी भी न्यूज़ पे सब देखा था तो, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। यामी गौतम का कैरेक्टर कैसा लगा? उन्हीं का मेन कैरेक्टर है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी करी है उन्होंने और डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि फिल्म कट टू कट है, वेस्ट नहीं करती है टाइम को, और अगर किसी डायरेक्टर को अगर ये कोई कहे कि आपकी फिल्म ने बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट किया तो सबसे पहले यही बता देता है कि उनका काम अच्छा रहा है। सेकेंडली कोई भी फिल्म में ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो आपको लगेगा कि ये नहीं भी होता तो भी चल जाता है, या तो यार इसे काफ़ी नाटकीय रूपांतर टाइप का बता दिया गया, ऐसा नहीं लगता। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो शायद से डीप थरो रिसर्च के बाद ही कोई निर्देशक स्क्रीन पर दिखा सकता है, और यहाँ पर उन्होंने वो दिखाया है तो पता चलता है कि इसके पीछे शायद से कुछ सालों का उनका रिसर्च रहा है और काफ़ी मेहनत है। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो दिखती है। मुझे अगर आप पूछें तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ वैसे तो मेरे लिए 19-20 का ही मामला है, पर बिकॉज फर्स्ट हाफ जब शुरू होता है तो आपको बिल्डअप देते हैं वो लोग थोड़ा सा, तो मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा उसमें बेटर लगता है। सेकेंड हाफ में क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे अब जो है वो क्या होने वाला है, तो इसलिए मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ज़्यादा बेटर। ओवरऑल ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मूवी के लिए? देखिए ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आप भले ही किसी भी प्रकार की राजनीतिक सोच या विचारधारा रखते हो, पर ये एक ऐसा मुद्दा है, तो देश का मुद्दा है ना, तो आपको आकर इस फिल्म को डेफिनेटली देखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि 370 के पहले क्या हालत थी कश्मीर में, अब क्या हो चुकी है, और किस तरीके से किस सोच के साथ इस चीज़ को पूरा अंजाम दिया गया है, और इसमें कितने लोगों की मेहनत लगती है, और इस चीज़ से आगे क्या हो सकता है भारत के लिए बेहतरी, वो भी आपको इस चीज़ को। लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्स द व्यूअर्स आर विलिंग टू गिव द फिल्म। पाँच में से चार स्टार। 5 out of 5. 3.5 to 4. What are your views about the film? Do let us know in the comments.